तो दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का सबसे पहला टेस्ट मुकाबला 26 दिसंबर से सेंचुरियन के मैदान पर खेला जाएगा। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर भारतीय समय के अनुसार यानी कि भारत में कितने बजे से यह मुकाबला शुरू होने वाला है, कौन कौन से टीवी चैनल और मोबाइल ऐप पर आपको यह मुकाबला लाइव देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ किस तरह की प्लेइंग 11 भारतीय टीम की इस पहले टेस्ट मुकाबले में रहने वाली है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको इस पहले टेस्ट मुकाबले से जुड़ी हुई एकदम सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस पहले टेस्ट मुकाबले में एक जबरदस्त जीत हासिल करे तो इस वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए, और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो दोस्तों इस स्क्वाड की घोषणा से पहले ये कंफर्म हो गया था कि भारतीय टीम के वाइट बॉल कप्तान यानी कि रोहित शर्मा वो टेस्ट सीरीज का हिस्सा हमको नहीं देखने को मिलेंगे। रोहित शर्मा इंजरी की वजह से टेस्ट टीम से बाहर हो चुके हैं, और दोस्तों इनकी नामौजूदगी पर हमको भारतीय टीम के लिए ओपन करते हुए देख सकते हैं केएल राहुल और साथ ही साथ मयंक अग्रवाल। केएल राहुल दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में हमको उपकप्तानी करते हुए भी नजर आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वे ओपन करते हुए हमको दिखेंगे। नंबर 3 पर दोस्तों हमको चतेश्वर पुजारा या हनुमा विहारी में से कोई एक खिलाड़ी खेलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों स्लैश का प्रयोग मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भारतीय टीम अगर एक्सपीरियंस के बलबूते पर जाती है तो चतेश्वर पुजारा को खिला सकती है, और अगर करंट फॉर्म के हिसाब से वह देखती है तब दोस्तों हनुमा विहारी का खेलना है बनता है, क्योंकि चतेश्वर पुजारा बहुत समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। उनका बाहर अगर उनको बाहर भी कर दिया तो कोई ज़्यादा सरप्राइज नहीं होगा। इसी वजह से इन दोनों खिलाड़ियों में से अब कौन खेलता है वह देखने वाली बात होगी। नंबर 4 पर दोस्तों विराट कोहली खेलते हुए दिखेंगे। नंबर 5 पर दोस्तों फिर से अजिंक्य रहाणे के स्थान पर श्रेयस अय्यर का खेलना यहाँ पर बनता है। श्रेयस अय्यर दोस्तों पहले ही टेस्ट मुकाबले में उन्होंने अपने करियर के एक ज़बरदस्त शतक जड़ा है। अजिंक्य रहाणे की फॉर्म कहाँ है यह दोस्तों कोई भी नहीं जानता है, श्रेयस अय्यर यहाँ पर खेलते हुए दिख सकते हैं। नंबर 6 पर दोस्तों ऋषभ पंत हो सकते हैं, और नंबर 7 पर रविचंद्रन अश्विन उतरने वाले हैं। नंबर 8 पर दोस्तों शार्दुल ठाकुर खेल सकते हैं। नंबर 9 पर हो सकते हैं दोस्तों मोहम्मद सिराज। नंबर 10 पर मोहम्मद शमी और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह खेल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 हमको भारतीय टीम की इस पहले टेस्ट मुकाबले में दिख सकती है। अब अगर हम दोस्तों टाइमिंग्स के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच हमको दोपहर को 1:30 बजे से शुरू होता हुआ दिख सकेगा। और अगर वहीं लाइव टेलीकास्टिंग की बात करें तो दोस्तों टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स और मोबाइल पर हॉटस्टार और जियो टीवी की एप्लीकेशन पर आपको यह मुकाबला लाइव होता हुआ दिखने वाला है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की जानकारी इस पहले टेस्ट मुकाबले से पहले निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम इस पहले टेस्ट मुकाबले में जीत सकती है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।